हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12 चैप्टर सेकेंड सॉल्यूशन से जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब यहाँ पे एक ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे जिसमें सोल्यूट का पार्ट सॉलिड होगा और सॉल्वेंट का पार्ट लिक्विड होगा। मतलब एक सॉलिड दूसरे लिक्विड में मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाएंगे, उस सॉल्यूशन का क्या वेपर प्रेशर आएगा ये चीज़ हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इससे पहले स्टूडेंट हम लोगों ने वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। मतलब दोनों कंपोनेंट को हमने लिक्विड लिया था और दोनों जो लिक्विड थे वो वोलेटाइल थे, ऐसे सॉल्यूशन बना करके हमने वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया था। बट यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, एक सॉलिड है दूसरा लिक्विड है, ऐसे सॉल्यूशन हमको यहाँ पर लेने हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं वी हैव अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हम लोग पहला लेते हैं जिसको हम लोग नाम दे देते हैं सॉल्वेंट ए, जो कि कैसा है स्टूडेंट, सॉल्वेंट ए ये है वोलेटाइल, मतलब ये वेपर फेज में जाएगा जो सॉल्वेंट का पार्ट है। एंड सोल्यूट बी ले लेते हैं, सोल्यूट बी जो कि स्टूडेंट यहाँ पे ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल ये नॉन वोलेटाइल है, ये वेपराइज नहीं होगा। क्या करना है स्टूडेंट, ए एंड बी को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाना है और उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो चीज़ हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देखिए, और जो सॉल्यूशन आप बनाएंगे जैसे आपने मिक्स कर दिया, ठीक है, ये क्लोज होना चाहिए, ठीक है, किसी क्लोज कंटेनर के अंदर ये सॉल्यूशन होना चाहिए, ए प्लस बी, जिसमें ए वाला स्टूडेंट आपका क्या होगा सॉल्वेंट, बी वाला पार्ट होगा सोल्यूट। और जो सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम लोग वेपर प्रेशर का किस तरीके से अफेक्टेड होता है ये चीज़ देखेंगे, क्योंकि एक तो वोलेटाइल इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ये नॉन वोलेटाइल है इसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। अब जब सॉल्यूशन बना देंगे तो वेपर प्रेशर किस तरीके से अफेक्ट करेगा इस चीज़ को हम लोग को समझना है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, ये बीकर लेते हैं। तो स्टूडेंट आप बुक से ही देखो तो ज़्यादा क्लियर होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आप देखो वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड्स का पार्ट, अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड। क्या है, सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड का सॉल्यूशन बनाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया एंड केन शुगर इन वाटर। मतलब ये सारी चीज़ें वाटर में डिजॉल्व होती हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, जैसे यहाँ पे बोला है कि सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, केन शुगर, ये सब स्टूडेंट क्या होते हैं वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, डिजॉल्व इन वाटर। और उसके आगे यहाँ पे और भी दिया गया है आयोडीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर, आयोडीन I2 एंड सल्फर S8, ये स्टूडेंट डिजॉल्व होता है इन कार्बन डाइसल्फाइड में, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हो कि ये और ये सब क्या होते हैं नॉन पोलर होते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड भी नॉन पोलर है। और आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है लाइक डिजॉल्व लाइक का, कि जिसका जो नेचर होगा वो उसी में डिजॉल्व होगा, ठीक है। अगर ये नॉन पोलर हैं आपके सोल्यूट का पार्ट और सॉल्वेंट का पार्ट भी नॉन पोलर है तभी डिजॉल्व होगा। तो ये चीज़ आपने देख ली यहाँ पे, आयोडीन एंड सल्फर डिजॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज सॉल्यूशन आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इसका क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट, मतलब इनिशियली जब आप प्योर सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ये आपने कोई प्योर सॉल्वेंट लिया, सपोज करो आपने वाटर लिया, ठीक है, वाटर लिया, और इस वाटर में हमने क्या किया, फिर इस वाटर के अंदर हमने कोई सोल्यूट मिला दिया, लाइक आपने इसमें NaCl ऐड कर दिया, NaCl ये सोल्यूट ऐड कर दिया, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी फिजिकल प्रॉपर्टी सोल्यूशन की जो सॉल्वेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी से डिफ़र करेंगी, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा आपका वोलेटाइल होगा, इसका वेपर प्रेशर कुछ दूसरा आएगा, और NaCl को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि फिज़िकल प्रॉपर्टी सॉल्यूशन बनने के बाद चेंज हो जाती है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी वो है क्या, वो फिज़िकल प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वेपर प्रेशर। तो आप देख रहे हो कि वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लिक्विड के केस में है
तो वेपर प्रेशर ज़्यादा, जैसे ही इस लिक्विड में आपने कोई सॉल्ट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये पार्ट वोलेटाइल नहीं होता है और इसकी जो वोलेटिलिटी है वाटर की, इसकी वोलेटिलिटी को भी ये क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी सॉल्यूशन आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब वो फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे बताया है स्टूडेंट क्या है, वेपर प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे आप देखो दैट लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर वेपराइज। तो अगर हम लोग देखो इस चीज़ को समझते हैं, ये पूरा पार्ट क्या कहना चाह रहा है इसको हम लोग पहले देखते हैं। जैसे सपोज़ करो आप स्टूडेंट कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो गया, उसमें आपने वाटर लिया है, हाफ़ बॉटल आपने वाटर ले लिया है, या तो आप कोई भी क्लोज कंटेनर लेंगे कि वेपर क्लोज कंटेनर में ही बनेगी आपकी, क्लोज कंटेनर लिया आपने, इसमें यहाँ तक वाटर ले लिया, तो इसमें होगा क्या स्टूडेंट कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि कितनी वेपर बनेगी। तो वेपर इनिशियली क्या होगा कि ये जो लिक्विड है ये वेपर में कन्वर्ट होगा, ये इंक्रीज करेगा, वेपर का फॉर्म बनता रहेगा, वेपर में ये कन्वर्ट होता रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा स्टूडेंट कि इसकी वेपर बनना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये बंद कब कब हो जाती है, जब ये इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, एट इक्विलिब्रियम पर आपको ऐसा लगेगा कि बंद हो रही है, बट एक्चुअल में ये एक डायनामिक प्रोसेस होती है, ये कंटिन्यूसली होती रहती है। कहने का मतलब ये है कि जितना वाटर को वेपर में कन्वर्ट होना था वो हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा कि अब ये जो वेपर है ये लिक्विड में जाएगी और ये वाटर जो है ये वेपर में जाएगा, फिर ये लिक्विड में जाएगी, ये वेपर में जाएगा, मतलब दोनों की रेट जो हो जाएगी वो सेम हो जाएगी, मतलब रेट वेपर की बैक होने की और जो वाटर के स्कैप होने की, दोनों की रेट सेम हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग एट इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, कि मतलब ये जो प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम पे आ गई है। कहने का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो जितना वेपर बनना था वो बन गया, तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे आप देखो एट अ गिवन टेम्परेचर वेपराइज एंड अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड ओवर द लिक्विड फेज इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। अब जो इसकी वेपर है इस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, जैसे ये वेपर है इस पे लिक्विड पे ये प्रेशर एग्जर्ट करती है। ठीक है, तो इसी प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। जैसे आप चाय देखते होंगे कंडेंस हो जाती है, और कंडेंस का फॉर्म क्या होता है, जैसे आप चाय बना रहे हैं तो उसके ऊपर जो आपने ढक्कन रखा हुआ है उस पर वाटर ट्रैप्ड हो जाता है। ठीक है, तो आप कुछ टाइम के बाद वो वाटर क्या होता है, जो वेपर फॉर्म में ट्रैप्ड हुआ है वो फिर से वाटर में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ तक हो गया। इन अ प्योर लिक्विड द एंटायर सरफेस ऑक्यूपाई बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड। अगर हम लोग देखो स्टूडेंट प्योर की बात करें, जैसे यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट की बात करें, प्योर लिक्विड में यही बोला, इन अ प्योर लिक्विड द इंटायर सरफेस ऑक्यूपाई बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड। तो प्योर सॉल्वेंट में जो ये सरफेस है ये क्या ऑक्यूपाई करेगा, ये सरफेस ऑक्यूपाई करेगा ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, इफ़ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड, अभी इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, पहले तो ये सॉल्वेंट था, अब इसमें हमने सोल्यूट ऐड कर दिया, सोल्यूट। तो सोल्यूट ऐड करने पे क्या होगा स्टूडेंट, ये चीज़ हम लोग को देखना है। तो देखो जो सोल्यूट इसमें ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो उससे क्या होगा, जो सोल्यूशन बना, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज स्लोली फ्रॉम द सॉल्वेंट एलान। मतलब जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बन रहा था, जो सॉल्वेंट जितना वेपराइज हो रहा था, अब यहाँ पे सॉल्यूशन देख रहे हो कि ये कम वेपराइज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर जो वेपर फॉर्म में गया है ये कम गया है, अगर हम लोग कंपेयर करें प्योर सॉल्वेंट से। ठीक है, दिस वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर। तो अब क्या हुआ, सॉल्यूशन बनने के बाद वेपर प्रेशर लोअर हो गया देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से अगर कंपेयर करें तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है स्टूडेंट वो कम हो गया,
एट द सेम टेम्परेचर। अगर सपोज़ करो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे इसके मॉलिक्यूल इतने ज़्यादा वेपराइज हो रहे हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे इसके मॉलिक्यूल जो है सॉल्यूशन के वो कम वेपराइज होंगे। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, ये चीज़ हम लोग समझते हैं। इन द सॉल्यूशन द सरफेस हैज़ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। आप सॉल्यूशन के अंदर देखोगे कि जो दोनों कंपोनेंट हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये दोनों में एक सॉलिड है दूसरा लिक्विड है। देयरफॉर द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गेट्स रिड्यूस। तो जो सॉल्वेंट पूरा स्केप हो रहा था ये तो वोलेटाइल था, इसलिए स्केपिंग टेंडेंसी थी इसके पास। बट सॉल्यूशन के केस में आप देखोगे ये जो ग्रीन वाला आप देख सकते हैं ये आपका सॉलिड हो गया, तो मतलब जो इसके अंदर से स्केप होने की टेंडेंसी थी वो सॉलिड क्या कर रहा है, इसको रोक ले रहा है। ठीक है, जितना सॉलिड का पार्ट है इसको रोक ले रहा है। तो इसीलिए जो सॉल्वेंट अंदर है वो सॉल्वेंट आसानी से वेपराइज नहीं हो रहा है, क्योंकि जो सरफेस पे है सॉलिड भी है और लिक्विड भी है डिजॉल्व हुआ। ठीक है, और आप जानते हो कि वेपराइजेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना। वेपर जितने भी पार्टिकल होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं वो सरफेस से ही होते हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्केपिंग फ्राम द सर्फेस इज करस्पॉन्डिंगली रिड्यूस। तो जो नंबर ऑफ स्केपिंग टेंडेंसी होगी सोल्यूशन की वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी सोल्यूशन के अंदर प्योर सॉल्वेंट के कंपेरिजन में। एंड द वेपर प्रेशर इज ऑल्सो रिड्यूस। जब ये कम वेपराइज होगा तो जो इसकी वेपर है वो कम प्रेशर एग्जर्ट करेगी। तो आप इसमें दो पॉइंट आप क्लियर कर लो कि प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल ज़्यादा वेपराइज होते हैं, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट पूरा का पूरा वोलेटाइल होता है और लिक्विड फॉर्म में ये वोलेटाइल होता है, इसीलिए ये ज़्यादा वेपराइज हो गया। और जो ज़्यादा वेपर बनेगी तो ये जो प्रेशर एग्जर्ट करेगी सरफेस पे, तो ये ज़्यादा वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगी। सॉल्यूशन के केस में क्या हुआ, जब आपने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लिया तो सॉल्यूट आप देखते हैं कि ये वोलेटाइल नहीं होता है, ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल वोलेटाइल होंगे। तो सॉल्वेंट इतने ही क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जब सॉलिड आ जाता है तो सॉलिड क्या करता है, रेसिस्ट करता है। जो सॉल्वेंट वेपर में कन्वर्ट होने वाला रहता है तो उसको क्या करता है, सॉलिड के पार्टिकल रेसिस्ट करते हैं। ठीक है, कुछ ही सॉल्वेंट के पार्टिकल वेपराइज हो पाते हैं। जो थोड़े से ही वेपर बनेगी तो इसका जो प्रेशर लगेगा वो कम लगेगा, मतलब वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है इनकेस ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर जो डिक्रीज़ हो रहा है सॉल्वेंट का, मतलब पूरा सॉल्वेंट वेपराइज नहीं हो रहा है, डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जितने भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो वेपर में जाने वाले सॉल्यूट नहीं हैं, अगर उसको आप ज़्यादा मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। अगर आपने सॉल्यूट ज़्यादा मिला दिया तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल वेपराइज होने वाले रहेंगे वो ज़्यादा वोलेटाइल वेपराइज नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाई एडिंग 1 मोल ऑफ सुक्रोज। तो यहाँ पे आपको बताया गया है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर कब डिक्रीज होगा। वाटर तो खाली अगर वाटर रहेगा तो वो तो वेपराइज हो जाएगा, बट इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कब होगा, बाई एडिंग 1 मोल ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज मीन्स चीनी। अगर 1 मोल चीनी को आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वाटर का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, बाय एडिंग 1 मोल ऑफ यूरिया टू सिमिलर सॉरी टू 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इज नियरली सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस बाय एडिंग 1 मोल ऑफ यूरिया टू द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर। इस ये कहना क्या चाह रहा है स्टूडेंट, ये देखो आप, ये कहना चाह रहा है कि अगर हम लोग ये वाटर ले लें 1 किलोग्राम 1 kg वाटर ले लें, ध्यान रहे कि ये आपका क्लोज कंटेनर होना चाहिए। ठीक है, 1 किलोग्राम वाटर ये कंटेनर में लें एंड 1 किलोग्राम वाटर यहाँ पे लें दूसरे कंटेनर में, ये आपने लिया। इसमें क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, 1 मोल सुक्रोज को ऐड कर दे रहे हैं। इसमें भी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इसमें 1 मोल ऑफ यूरिया को कंटेन डिजॉल्व कर दे रहे हैं। तो दोनों को एक पार्टिकुलर टेम्परेचर, सपोज़ करो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो जितनी वेपर इसकी बनेगी इस सॉल्यूशन की उतनी ही वेपर इसकी भी बनेगी, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे आप देखो यही बोल रहा है कि
डिक्रीज़ इन द वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर तो वाटर का डिक्रीज़ होगा अगर आप सोल्यूशन बना रहे हो, क्योंकि वाटर वोलेटाइल होता है, ये ज़्यादा वेपराइज हो गया, ठीक है, ये जितना था जितना होना था मैक्सिमम ये हो गया, बट आपने इसमें सुक्रोज या यूरिया ऐड कर दिया है तो इस वाटर का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब अब वाटर ज़्यादा वेपराइज नहीं होगा, ठीक है। अब वन मोल अगर सुक्रोज और वन मोल यूरिया लेते हैं एट अ सेम टेम्परेचर, तो जितने वाटर के मॉलिक्यूल इसमें स्कैप होंगे उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल इसमें भी स्कैप होंगे, ये चीज़ इसने बोला है, ठीक है। अब हमने देखो एक पॉइंट पढ़ा था स्टूडेंट वहाँ पे, कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है पीटी किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, वो क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूट, ठीक है। अब इसमें हमने राउल्ट्स लॉ को अप्लाई किया था, राउल्ट्स लॉ क्या होता है स्टूडेंट, पी वन, वन अगर हम लोग सॉल्वेंट के लिए लेते हैं, वन जो है ये सॉल्वेंट का, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट, यहाँ पे हमने एक कॉन्स्टेंट लगाया था प्योर का, पी वन नॉट एक्स वन, नॉट जो होता है वो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। अब ऐसे ही पी टू का आप देखेंगे, पी टू नॉट एक्स टू, बट यहाँ पे जो पी टू है मतलब सॉलिड है, सॉलिड का तो वेपर प्रेशर आएगा ही नहीं, बिकॉज सॉलिड इज़ अ नॉन वोलेटाइल, तो जब इसका वेपर प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर हम लोग मिक्स करके लिखते हैं, पी वन नॉट एक्स वन प्लस पी टू नॉट एक्स टू, ठीक है, बट इसका वेपर प्रेशर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसका वेपर प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा फिर, क्योंकि ये सॉलिड है और नॉन वोलेटाइल, ये जब वेपराइज नहीं होगा तो इसका वेपर प्रेशर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सॉल्यूट का पार्ट है, ये ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो ओनली सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर ही होंगे, ठीक है, ये पार्ट है, तो ये क्लियर है स्टूडेंट। देखो यहाँ पे लिखा है, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट, राउल्ट्स लॉ जो हमने अभी बताया आपको, ये ओनली वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए ही होता है, बट यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो तो नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मतलब पी वन जो होगा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कहने का मतलब यहाँ पे आप बुक में ग्राफ से भी देख सकते हैं, बना हुआ है फिगर बना हुआ है, उस बेसिस पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन किसका होगा स्टूडेंट, ओनली सॉल्वेंट का, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये ज़ीरो है, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम पे मोल फ्रैक्शन पे वेपर प्रेशर भी मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपने स्टेटमेंट्स राउल्ट्स लॉ का पहले ही पढ़ा, तो यहाँ पे जैसे ही मोल फ्रैक्शन ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, वैसे ही ये वेपर प्रेशर, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है, तो आप देख रहे हो राइट साइड मूव करने पर मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, यहाँ पे ज़ीरो था, यहाँ पे कुछ आएगा, ये मैक्सिमम वन होता है मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम पे वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का मिल रहा है वो मैक्सिमम मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, तो इसको आप बोल सकते हो इस पॉइंट को वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट, ये चीज़ जानो, तो जो पी टोटल निकलेगा यहाँ पे अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, ये पी वन नॉट जो होता है वो प्योर कंपोनेंट के लिए होता है, मतलब वाटर का होता है, ठीक है, तो इसी का निकलेगा, क्योंकि ये जो पी टू नॉट एक्स टू है ये ज़ीरो हो जाएगा जब हमारा एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल होगा तब, तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग इसको बुक से पढ़ो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।